और दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लोग देख रहे हो ना, इस ड्रम के अंदर से निकली है, जो कि मैंने इस मटके के अंदर पानी डाला था और उसके बाद इस ड्रम में गया, उस ड्रम के बाद जो है इस बाल्टी में गया। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लोग अपने पौधों को भी दे सकते हो, लेकिन मैं इसको अपने पौधों में नहीं दूंगा बल्कि इस ड्रम के अंदर वापस डाल दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने अपने फर्टिलाइज़र को जल्द से जल्द तैयार करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ना इस फर्टिलाइज़र को मुझे इसके अंदर वापस डालना पड़ेगा, ताकि जो हमारे कंपोस्टिंग का प्रोसेस है ना वो जल्दी हो जाए और हमारे फर्टिलाइज़र जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। तो अब इस मटके के अंदर से ना इस ड्रम में चली जाएगी, उस ड्रम के बाद दोबारा से फिर इस बाल्टी में आ जाएगी, और यही प्रोसेस ना मैं करता रहता हूँ कंटिन्यू। और जब ये फर्टिलाइज़र इसके अंदर से निकलना कम हो जाती है तो मैं ना इसके अंदर से दोबारा पानी डाल देता हूँ, ताकि जो फर्टिलाइज़र है ये निकलती रहे और इसके अंदर वापस मैं डालता रहूँ, ताकि लिक्विड फर्टिलाइज़र इस ड्रम के अंदर से निकलती रहे और हमारी कंपोस्ट जो है तैयार होती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो दोस्तों बरसीन की अपडेट देख ले, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही हो, और इसको जो है ना हमने पानी भी लगाया ताकि जल्दी से तैयार हो जाए और हमारे जानवरों के लिए एडवांस में घास तैयार हो जाए, क्योंकि घास जो है ना अभी सिर्फ मकई बची हुई है, बाकी जो घास था ना ज्वार वगैरह जो थी वो सारी हमने काट ली है और जानवरों को खिला ली है। तो अभी बरसीन से उम्मीद है यार, देखते हैं इंशाल्लाह कब तक ग्रो होती है। और दोस्तों बरसीन के साथ साथ ना हम लोगों ने जोड़ल की भी काश्तकारी की है, ताकि जब हम बरसीन को काट लेंगे ना तो उसके बाद जोड़ल को काट सकेंगे। तो इधर जो है ना जोड़ल की काश्तकारी की है, इसका जो बीज लगाया जाता है ना वो तो पानी लगाने से पहले लगाया जाता है, जो ज़मीन में नमी होती है ना धान वगैरह की कटाई के बाद जो जगह बचती है तो उसमें ना अच्छी तरह से नमी मौजूद होती है। तो इसी वजह से ना दोस्तों जोड़ल के बीज को ना धान की जो ज़मीन बच जाती है जिसके अंदर नमी होती है उसी के अंदर काश्त किया जाता है, और जो बरसीन होती है ना उसको पानी के अंदर लगाया जाता है, यानी उसका छट्टा लगाया जाता है। और माशाल्लाह हमारी बरसीन के पौधे ना नज़र आना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों मैंने लाली के लिए घास भी काट लिया, क्योंकि दोपहर को मैं आज घास काट नहीं सका था, तो इस वजह से मैं अभी शाम को लेकर जा रहा हूँ, तो फिर इसको ना अभी रात को डालेंगे। दोस्तों लाली को मैं इधर ले आया हूँ और माशाल्लाह से रात को ना बहुत सुकून से बैठी रही थी। दोस्तों हमारे जो लाली है ना इस कमरे में पुरसकून रही है, क्योंकि मैंने देखा था कि रात के टाइम जब मैंने इसको बांधा तो ये बैठी रही थी और थोड़ा बहुत इसने घास खाया था, लेकिन उसके बाद जो ना आराम से बैठी रही थी। और सुबह के टाइम जब मैंने देखा तो उस टाइम भी ना ये बैठी हुई थी, यानी कि इसको ना ये जगह कंफर्टेबल महसूस हुई, तो यार अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया, वो ये है कि यार जब मैंने दरवाज़ा बंद किया ना इसको बांधने के बाद तो इसने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया था, तो शायद ये डर गई होगी, क्योंकि जो बल्ब है ना वो भी मैंने बंद कर दिया था रात के टाइम, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, तो इसलिए मैंने क्या किया कि दरवाजे को खोल दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर एक कमरा है तो इसलिए यहाँ पर ठंड तो आ नहीं सकती, बस दरवाजे से थोड़ी बहुत हवा क्रॉस हुई होगी तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो यार मुझसे नई गलती हुई है यहाँ पर बांधते वक्त लाली को, वो ये हुई कि मैंने जो टब था ना इसका वो ज़मीन पर रख दिया, जिसकी वजह से इसने क्या किया उसके अंदर बैठ गई। यार है कोई ये बात करने वाली, टब भला बैठने के लिए होता है, वो घास खाने के लिए होता है, तो इसने क्या किया उसके अंदर बैठ गई, और क्या हुआ फिर वो जो घास था वो सारा ख़राब हो गया, फिर इसने खाया भी नहीं। यार नखरे भी बहुत करती है और गलती भी अपनी होती है, तो फिर मैंने क्या किया वो जो घास था ना वो मैंने भैंसों को डाल दिया, और इसके लिए ना फिर मैं सुबह ताज़ा घास लेकर आया और फिर उसको डाला, फिर इसने खाया। तो अभी मैं इसका एक और इंतजाम करने लगूँ, यार वो जो पानी वाला नाका होता है ना वो मेरे पास पड़ा, तो उसको ना यहाँ पर रख दूँ और उसके ऊपर टब रख दूँ, ताकि जो लाली है ना उसके ऊपर बैठ ना सके और घास भी आसानी से खा सके, और दूसरे एक घास को ज़ाया भी ना करे, क्योंकि यार फ्री में नहीं मिल जाता सब कुछ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यार अभी मैं इसका ये इंतजाम करता हूँ और उसके बाद जो है ना इसको घास डालता हूँ जो अभी लेकर आया हूँ। यार मैं इसकी बात कर रहा था, इसको नाका बोलते हैं, तो इसके ऊपर मैं टब को रख दूंगा और फिर टब के अंदर घास रख दूँगा, ताकि जो लाली है ना ये उस टब के अंदर ना बैठ सके। क्या देख रही हो, तुम्हारा इंतज़ाम करूँ शरारती बच्ची? तो दोस्तों टब को मैं ले आया हूँ, तो अब ना इसके ऊपर रख देता हूँ और फिर जो है ना इसके अंदर घास डाल देता हूँ, ताकि हमारी लाली जो है ना घास को खाती रहे, और ये मेरे ख्याल में इंतज़ार में है कि कब मुझे घास डालेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये वही मकई है जो मैंने काट कर लेके आया था अभी, तो इसको मैंने जो है टुकड़ों में तकसीम कर लिया, तो साबित मैं नहीं डालता क्योंकि फिर ये ख़राब कर देती है, तो इस तरह काट कर डाल देता हूँ, फिर ना ये माशाल्लाह से आराम से खा लेती है और दूसरे एक ज़ाया नहीं करती। थोड़ी सी ना एसिड भी डाल देता हूँ, ताकि टेस्ट चेंज करती रहे साथ के साथ। वैसे खाती नहीं है यार एसिड को इतने शौक से जैसे बकरियाँ खाती हैं आमतौर पर, ये इतने शौक से नहीं खाती, बस थोड़ी बहुत खाती है एसिड को, बाकी माशाल्लाह ये है कि मकई को अच्छी तरह से खा लेती है और खुश होकर खाती है। तो यार अब उम्मीद है कि लाली जो है ना हमारी इस टब के अंदर नहीं बैठेगी, क्योंकि अभी ना टब काफ़ी ऊंचा हो गया लाली से, तो आई होप कि ये घास को ख़राब ना करे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।